और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबिया काशिफ है और मैं हाउस जॉब कर रही हूँ एज ए होम शेफ। तो मैं काफ़ी जगहों पे खाना डिलीवर करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैप्पी कस्टमर्स हैं मेरे। शादी को मेरे 22 साल हो गए। पे ऑफ तो अभी इतना नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि 3 टाइम पेट भर के हम खाना खा लेते हैं। आजकल के ज़माने में जितने ये हालात जैसे ख़राब चल रहे हैं, पेट भर के खाना खाना भी जो है ना, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। फजर के टाइम उठती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाता है, सब्ज़ी बनानी, आटा गूंदना, सारा कुछ। नाश्ता भी देती हूँ और दोपहर का लंच भी और रात का डिनर भी। बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिव हैं तो मैं ये काम कर रही हूँ। क्राइसिस ये थे कि मेरे हस्बैंड जो थे माशाल्लाह अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, कपड़े का काम करते थे, और उसके अलावा इनको ये लॉस होता गया, इनको ना लॉस हो गया, काफ़ी ज़ीरो पे आ गए बिल्कुल। फिर जॉब इन्होंने की, लेकिन वो जॉब पे वही था, 15,000 मिल गया, 16,000 मिल गया, बच्चे 3 थे मेरे, तो वो स्कूल की फ़ीसें वगैरह हर चीज़, खाना पीना, ज़ाहरी बात है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके साथ फिर मैंने ना इनको मैं काफ़ी कन्विंस करती रही कि हम अपना काम करते हैं, मुझे खाना बनाना आता है, हम शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, मेहनत करने में क्या हर्ज है। ये शर्म महसूस करते थे ना, कहते थे कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ, आप डिलीवर करें इंशाल्लाह। फिर ऐसे ही करते करते स्टेप बाय स्टेप मेरा नाम काशिफ है, मैं जुबिया का हस्बैंड। मैं शर्म महसूस करता था, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया, मैं खुद चाहता था कि अपने हाथ से कमाऊँ। ये एक बार बच्चे जीवेंगे बैठ के, मैं मेरे बल बोते थे, लेकिन वो मेरा ब्रेन का मसला हो गया। थ्री सर्जरी हुई मेरी, वो ब्रेन में मसला था। तो कारोबार की थी ना बस, कि मैं खुद अपना खुद करूँगा, हम अपने हाथ से कारोबार चल रहा था, लेकिन ये महंगाई की वजह से ना काफ़ी हो गया था, बहुत परेशान किया हुआ महंगाई ने। दुख तो मुझे बहुत होता है, मैं हर हफ्ता में कहीं क्या वक्त आ गई, मेरे प्राउड है, लेकिन जब एक बंदे का पता चल गया कि ये कर रहा है काम है होम मेड फूड का, वो फिर मैंने कहा सबको तो पता लग रहा है, इसमें आप कौन सी शर्म है। डॉक्टर्स भी हैं मेरी कस्टमर्स हैं, ऑफिसेज में खाना जाता है, हॉस्टल बॉयज़ हैं, और इनके अलावा इधर वर्कशॉप्स पे खाना जाता है, बैंक्स में खाना जाता है। घर की रोटी को प्रेफर करते हैं, तंदूर की रोटी से घर की रोटी को प्रेफर करते हैं वो। मेरे जो हॉस्टल वाले लड़के हैं ना, उनको पता नहीं मेरे दिल में कुछ होता है, मेरा दिल करता है ये बाहर के शहरों से आए हैं, इनको लाहौर की हॉस्पिटैलिटी के बारे में पता चले। तो वो जितने में भी मुझे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ बेटा आप ले लें, कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूँगी, कुछ नहीं होता। जितना भी वो सालन मांगते हैं मैं उनको दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये बाहर से आए हैं, खैर है, इनको अपने घर की याद ना आए। इनको यही हो कि हम बाहर से आके भी घर का ही खाना खा रहे हैं, अपने माँ के हाथ का ही खाना खा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि होटल के खाने से ज़्यादा घर के खाने को प्रेफर कर रहे हैं लोग, ज़ाहरी बात है, अब इतनी बाहर बीमारियाँ हैं, बाजार के खाने खा के बंदा बीमार होता है। अच्छा, मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो स्पेशल वो फ़ोन करते हैं कि हमें घर का खाना दें, क्योंकि बाहर का खाना खा के हमें जलन होती है, तो हमें डाइजेस्ट भी नहीं होता। बाहर तो बहुत तेज़ स्पाइसेस होते हैं, मेरे नॉर्मल होते हैं स्पाइसेस, हर चीज़ घर की, इवन कि मेरा, मैं कोई फ्रोज़न भी काम नहीं करती, मेरा रेगुलर आना है सब कुछ रेगुलर बनना है, सब कुछ उसी टाइम पे बनना है जब मैंने खाना बनाना है। और मेरा ये है कि अगर मैं एक बाउल देती हूँ ना सालन का, तो उसमें खा लेते हैं, एक बाउल में 2 से 3 बंदे इजीली खा लेते हैं। तो अब एक बाउल में 2 से 3 बंदे खा रहे हैं इजीली, 35 रोटियों के साथ 4 सालन मंगवाते हैं, घरों में भी मंगवाते हैं, वो प्रॉपर एक ऑर्डर देते हैं कि हमें आज कढ़ाई चाहिए, हमें आज निहारी चाहिए, बिरयानी बनवाते हैं, पाए बनवाते हैं, इस तरह की जो बड़ी बड़ी डिशेज हैं, और क्रीम सैलड मेरा बहुत अच्छा बनता है, वो उसके ऑर्डर्स लेती हूँ। आज मेरे पास मिक्स सब्ज़ी है, टका टक है, और कढ़ाई चिकन है,
और दाल माश है, डेली चेंज, एक दिन निहारी, फिर कीमा शिमला, आज कीमा शिमला भी है, कीमा आलू भी बनता है, डेली बीफ चिकन दाल और सब्जी चेंज होती है डेली। नाश्ते में पराठा, अंडा, चाय, कोई सालन हो उसके साथ, चने भी होते हैं उसके साथ, रोटी ले लेते हैं, पराठे ले लेते हैं, ऐसे। मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हुएं, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम माशाल्लाह बड़ा है, बस मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला फल ज़रूर देगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं देगा। मेरी गूगल पे भी आईडी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है किचन बाय जेड के, फिर उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सारे कस्टमर्स हैं, गूगल से ज़्यादातर सर्च कर लेते हैं मुझे गूगल आईडी से।